Dear students, of 10th class, today we will discuss one of the question of the same exercise 5.2 of the same chapter arithmetic progression. Now we will see the question. Question is here: Sabha Rao started work in 1995. Sabha Rao कौन start कर रहा है? किस साल? 1995. At the annual सैलरी ऑफ रुपीज 5000. उसकी एनुअल सैलरी यहाँ पे हम थी 5000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उसके बाद उसको एक इंक्रीमेंट दी गई ऑफ रुपीज 200. 200 इंक्रीमेंट होती थी इसे ईच ईयर, हर साल इसकी इंक्रीमेंट होती थी 200 रुपीज. 1995 में सबा राव की सैलरी, एनुअल सैलरी थी 5000, हर साल के बाद 200 रुपीज इंक्रीमेंट होती थी. इन विच ईयर डिड हिज इंक्रीमेंट रीच, कितने साल के बाद इसकी इंक्रीमेंट रीच कर रही है 7000, ये हमें शो करना है. डियर स्टूडेंट, दिस ईयर जो फर्स्ट ईयर जब 1995 में इसने काम शुरू किया, उस साल इसकी एनुअल सैलरी थी 5000. दैट इज A1, जो A जो है हमारे पास, वो हम ये ले सकते हैं टेकिंग A एज 5000. अब हर साल जब एक साल खत्म होगा इंक्रीमेंट होगी 200 रुपीज. That is, एक साल के बाद इसकी जो एनुअल सैलरी होगी दैट इज 5200. फिर नेक्स्ट साल सैलरी क्या होगी? एड इंक्रीमेंट 200, दैट इज 5400. फिर नेक्स्ट साल 5400 को एड होगा 200 रुपीज, दैट इज 5600 एंड सो ऑन एंड इट रीच 7000. हमें बताना है कितने सालों के बाद इसकी सैलरी 7000 तक पहुंच जाए. इफ वी सी दिस, जो 5000 है दैट इज द एनुअल सैलरी इन 1995 ऑफ सबा राव, दैट वी टेक फर्स्ट टर्म एंड जो इंक्रीमेंट यहां पे हो रहा है हर साल, दैट इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपीज, वी टेक दैट इज कॉमन डिफरेंस ईयर, इट इज द फर्स्ट ईयर एनुअल सैलरी, इट इज द सेकंड ईयर एनुअल सैलरी, इट इज द थर्ड ईयर एनुअल सैलरी एंड सो ऑन. इट बिकम्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5000, कॉमन डिफरेंस जो एड हम कर रहे हैं दैट इज 200, एंड जो 7000 है इट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस arithmetic progression which we required from this question. Solution: Sabha Rao's annual salary starting annual salary salary it is equal to A, which is equal to 5000, and annual increment hum lenge that is D, which is equal to 200. According to question, we obtain इस तरह यहां पे फर्स्ट ईयर ये होगा सैलरी, सेकंड ईयर में ये होगा एंड थर्ड ईयर हमारे पास बाय क्वेश्चन हमें रुकवे होगा 5000, 5200, 5400 एंड सो ऑन अप टू 700. इज एन अरिथमेटिक progression, that is it is the annual
salaries of सबा राव, एनुअल सैलरी सबा राव की होगी, ये फर्स्ट ईयर में होगा, ये दूसरे साल होगा, ये तीसरे साल एंड सो ऑन, सॉरी फादर यहां पे सॉरी 400 सॉरी। इस तरह हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। नाउ वी टेक दिस इज एन प्लास्टर टेकिंग एन इज इक्वल टू 7000, बट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इट इज इक्वल टू 7000। ए इज हियर, दैट इज 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज हियर 200, इट इज इक्वल टू 7000। दिस इंप्लाइज अस इंप्लाय होगा यहां पे डियर स्टूडेंट 5000 राइट साइड में जाएगा, वी गेट हियर दैट इज एन माइनस वन इंटू 200 विच इज इक्वल टू 7000। जब राइट साइड में जाएगा इट बिकम 7000 माइनस 5000, इट इज सिंपली इट इज इक्वल टू 2000। नाउ एन माइनस वन और एन माइनस वन इट इज इक्वल टू 2000 ओवर 200, really two zeros go, we have two ones are two tens are, that is n minus 1 is equal to 10 or n is equal to 11। tab jaake hamare paas yahan pe n ka value 11 aa gaya, therefore Sabha Rao's salary becomes 7000 in here 11th year, after 11th year, therefore Sabha Rao get 7000 rupees annual salary in 11th year। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।